नॉर्मली ये साउंड हमारे वीडियो एडिटर्स तब लगाते हैं जब गाली गलौच या कोई आपत्तिजनक बात हो, लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हुआ वो भी आपके या हमारे काम का नहीं था, बस हंगामा मचा। इतना हंगामा कि ढेर सारी आवाज़ों के बीच कौन क्या कह रहा है ये समझ नहीं आया। तो हमने सोचा क्यों ना एक साउंड इफेक्ट के साथ इन विजुअल्स को कुछ नए ढंग से देखा जाए और आपको दिखाया जाए। बाकी आपका पसंदीदा शो संसद में आज लेकर मैं आपका साथी सौरभ हाजिर हूँ। आगे की तस्वीर देख आप भी कहेंगे कि ये सब क्या मचा हुआ है संसद में। चलिए शुरू करते हैं। बजट सत्र का दूसरा भाग लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। तारीख 23 मार्च सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। संसद में जिक्र हुआ साल 1931 का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, वर्ष 1931 में आज के दिन भारत माता के तीन महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन महान वीरों ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अल्प आयु में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और एक संविधान स्वाधीन एवं सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेगी। इस अवसर पर हम इन महान सपूतों को की शहादत को नमन करते हैं। इसके बाद सदन में लोकसभा के पूर्व सदस्यों जिनमें शामिल हैं पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से पूर्व में सदस्य रहे सत्यव्रत मुखर्जी, अविभाजित मध्य प्रदेश की कांकेर सीट से पूर्व में सदस्य रहे सोहन पोटाई, कर्नाटक के चामराज से पूर्व में सदस्य रहे आर ध्रुव नारायण के बीते दिनों हुए निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा भी होने लगा। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आप इतना नाराज ना हो। हंगामे की तस्वीर ज्यादा बड़ी होने लगी तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैंने किसी भी सदस्य को बोलने से नहीं रोका। मैंने किसी भी माननीय सदस्य को बोलने से नहीं रोका और नियमों प्रक्रियाओं के तहत आप सभी माननीय सदस्यों ने पूरी बात अपनी सदन के अंदर रखी है और आज भी मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं जी से कि माननीय सदस्य उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नियमों पूरे देश भर में सभी माननीय सदस्य 9 करोड़ से ज्यादा घरों में सकते हैं ये महिलाओं के नाम से जो एलपीजी के कनेक्शन। हंगामे का शोर सिर्फ एक ओर से नहीं था, विपक्षी दलों के सदस्य हों या फिर सत्तारूढ़ दल के लोग दोनों ही नारेबाजी करते रहे। जहां सत्तारूढ़ दल के सदस्य नारे लगा रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगो, वहीं विपक्षी दलों ने नारे लगाए राहुल गांधी की बात सुनो। बस हंगामा जारी रहा। आगे क्या, ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि क्या आप सदन नहीं चलने देना चाहते। फिर जनता का जिक्र, नारेबाजी को लेकर नसीहत, आखिर में लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने सदस्यों को बताया कि कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने किसी भी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी है। अब सदस्यों से सभा के पटल पर अपने दस्तावेज रखने को कहा गया। सदन पर दस्तावेजों को रखे जाने के बीच विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा में जेपीसी की मांग करते हुए नारेबाजी करना शुरू कर दी। विपक्ष के सदस्य तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। इसके बाद कार्यवाही को शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों को आज शाम 6 बजे सभा की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सभा की कार्यवाही 6 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शाम 6 बजे लोकसभा की कार्यवाही बार बार हंगामे और स्थगन के बाद फिर से शुरू हुई। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी दलों के सदस्यों ने जेपीसी की मांग करते हुए नारेबाजी की। विपक्ष के सदस्यों ने नारा लगाया मोदी अडानी भाई भाई। इस बीच लोकसभा में अनुदान मांग के प्रस्ताव पारित हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग विधेयक 2023 पेश किया।
एक तरफ हंगामा चलता रहा, दूसरी तरफ लोकसभा से विनियोग विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गया। शाम 6 बजे से महज 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली। इसके साथ ही लोकसभा को 24 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय विभागों से संबंधित मांगों की पारित हुई। आइटम नंबर 23 माननीय वित्त मंत्री जी। राज्यसभा कार्यवाही सुबह इस तरीके से 11 बजे शुरू हुई। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की कुर्बानियों का जिक्र किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। इसके बाद सभी सदस्यों के मुद्दों का जिक्र किया गया। इस दौरान बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी मामले में जेपीसी की भी हुई। नेता सदन पीयूष गोयल अपनी बात रखने के लिए उठे तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर लंदन में दिए उनके बयानों को याद दिलाते हुए कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नियम 267 की मांग करते हुए कहने लगे, जेपीसी का गठन किया जाए तो सच बाहर निकलेगा। राज्यसभा कार्यवाही फिर शुरू हुई तो महज एक घोषणा के लिए, और पता है घोषणा भी क्या, यही कि कार्यवाही कल यानी 24 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। वजह फिर वही हंगामा। अब यहाँ रुकना है क्योंकि संसद में जो कुछ हुआ वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। क्या हुआ ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। अब कल देखेंगे कुछ होगा भी या नहीं। बाकी ये शो लिखा था आपके लिए हमारे साथी हिमांशु ने। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।